इन फिजिक्स फ्रॉम कोटा यू हैव विजय शर्मा सर। इन्हीं के बारे में मैंने आपको कम्युनिटी में भी बताया था कि लास्ट ईयर नीट में ऑल इंडिया रैंक वन को विजय सर ने मेंटोर किया हुआ है। He is from the most prestigious offline NEET Institute of India, particularly Kota. And we are very proud to present you Vijay Sharma sir. Vijay Sharma sir ki main credential par hoon, 12 years of teaching experience, has mentored All India Rank 1 last year only, All India Rank 5, AIR 9, AIR 10 and many more in NEET. And he is from the very reputed institutes. And we are very proud ki विजय शर्मा सर आज हमारे साथ हैं। आप एक बार इनका डेमो लेक्चर देखना, द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ही हैज, यू विल बी अमेज्ड टू सी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हेलो एवरीवन, दिस साइड विजय शर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम रिनोल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा। आपके साथ शेयर करने आया हूं कोटा के, या फिर आप कह सकते हो हिंदुस्तान के, उन बच्चों की कहानी जो कंपटीशन एग्जाम में बड़ा सपना लेके आते हैं लेकिन क्या क्या स्ट्रगल वो फेस करते हैं, किस तरह से कुछ बच्चे अपने सपने पार पूरे कर जाते हैं और किस तरह से कुछ बच्चे वो सब कुछ करते हुए भी सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप ध्यान से सुनिए, होता क्या है जब कोई भी बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए एक टारगेट लेकर के आता है तो उसके सामने बहुत से डाउट्स होते हैं, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्या दिक्कत आएगी, क्या नहीं आएगी। अब दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा तो है जो उन डाउट्स को अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से डिस्कस कर लेता है, और कुछ बच्चे हैं जो बेचारे अंदर ही अंदर माइंड में सारी चीजें रखते हैं और संकोच करते हैं किसी को बताने का। मैं आपको एक चीज बता दूं, इनमें वो बच्चे ज्यादा बेटर हैं या फिर ज्यादा ठीक हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेंटोर के साथ शेयर करते हैं। बात प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे में किसी में प्रॉब्लम है केवल सोच में, अपनी सोच को बुलंद बनाने में। जब हमने कोई चीज सोच ली, हमने ठान ली, तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाती। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल का, आप आइंस्टाइन को ले लीजिए, आप न्यूटन की बात कर सकते हो, और इस पीढ़ी के भी महान से महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर सकते हो। सबका एक ही एम था, वो अपने फोकस थे एम पे। आज बच्चा जब आता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छी एनर्जी से होता है, प्रॉब्लम क्या है, आज का जो एटमोस्फियर है उसमें बहुत से लोग होते हैं जो उसको गाइडेंस, मिसगाइडेंस, ये जो मिसगाइडेंस मैंने वर्ड बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बच्चे के लिए तो कम से कम बिजनेस मत बनाओ। आप देख रहे हो किस किस तरह से लोग बिना बात एक बच्चे को बिजनेस के रूप में करके उसको कहां उसका प्रोफेशनल मॉडल तैयार कर देते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बच्चों के अंदर एनर्जी सब में उतनी ही है। हम जो कहते हैं वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लगोगे, आपको अगर मेंटोरशिप बेहतरीन मिल गई है, आपको अपनी सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। सर कैसे, मैंने सब कुछ ठीक किया, सब कुछ ठीक था, इसके बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा रीजन है, क्या आपने अपने गोल को कभी लिखा है, क्या आपने अप गोल के बारे में पूरे दिन सोचने में टाइम लगाया है, क्या आपने उस गोल के लिए अपना एक फॉर्मेट तैयार किया है। अगर इस बात का यस है तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं हमने बड़ी प्रॉब्लम की है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है, अपनी सोच। अपनी सोच को बुलंद बनाइए। सर सोच को बुलंद कैसे बनाएं? सोच को बुलंद बनाने का सबसे बेहतरीन पार्ट होता है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप कहां से करें, आपके सामने खड़े हैं, हमने मेंटोरशिप में करके दिखाया है और देखा है कि बच्चों की परेशानी को कैसे सोल्व करें। आपके सामने एक्सपीरियंस्ड पार्ट यहां सामने खड़े हैं।
सर कहां पर? प्लेटफॉर्म आपको पता है, फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म जिसमें अलख पांडे सर ने जो अभियान, जो क्रांति चलाई है, वो रियली सैल्यूट उसको। और आप देखिए उन्होंने जो कहा है, हर गरीब बच्चे तक पहुंचना, मतलब अगर उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है तो इस बात की गारंटी की उसको डॉक्टर बनाने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स लाखों रुपए देकर के भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दे सकती, वो अलग सर ने एक बहुत ही आप कह सकते हो कन्वीनियंट फीस पे अवेलेबल करवाई है, ना के बराबर फीस पे। तो उसके लिए उनको सैल्यूट तो बनता ही है, प्लस उनकी ये क्रांति एक्चुअल में ये एक सामाजिक कार्य है। ये एक बिजनेस के प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने मैं नहीं खड़ा हूं, मेरा पर्पज है मेरी आवाज उस हर गरीब बच्चे तक पहुंचे जो अपने संसाधन के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है। और मेरी ये दिल से इच्छा जुड़ी हुई है क्योंकि मैं भी एक गांव में जमीन से गरीब परिवार से जुड़ा हुआ होने के नाते बार बार मेरे में भी ये इमोशंस आते हैं कि यार वो बच्चे क्यों नहीं अपने सपने पूरे कर पाते। एक रीजन संसाधन, संसाधन का तो जवाब मैंने आपको दे दिया, आपके सामने है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म जहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट स्टार मिलेंगे आपकी तैयारी में सपोर्ट करने के लिए, आपकी मेंटोरशिप करने के लिए। और यहां जब आप आ जाते हो, ये हमारी गारंटी कि आपको किसी भी तरह की एनर्जी लेवल में डाउन नहीं आने देंगे। हम कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल अपने टारगेट पे खरा उतरने पे। टारगेट पे खरा उतरने के लिए किसी पे विश्वास करना पड़ता है। अगर आप अर्जुन बनने के लिए तैयार हो तो गुरु द्रोण आपको यहां मिलेंगे, आप विश्वास कीजिए। अब बात करते हैं, सर गुरु द्रोण पे विश्वास किया पर आप पे विश्वास कैसे करें? विश्वास नहीं करोगे तो भी बेटा आप आपके सीनियर्स की, जो लोग सक्सेस नहीं हुए हैं, उनसे बात करके देखिए उनका सबसे बड़ा कारण क्या था सक्सेस नहीं मिलने का। बच्चे कहते हैं सर मेरे 10 नंबर कम रह गए, 20 नंबर कम रह गए, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, नेगेटिव मार्किंग की वजह से दिक्कत हो गई। आपको इस प्लेटफॉर्म पे हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। इवन दो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस डेली किस तरह से फ्रेम करने हैं, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, किस तरह से उन क्वेश्चंस को आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है। बच्चों को मैं एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूं इसके लिए कि नॉर्मली आप अपनी जो प्रिपरेशन करते हो आप करते ही उसको कंफ्यूज होकर के हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी प्रोसेस जो है वो गलत है। हम क्या करते हैं, रिजल्ट पे फोकस रहते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए सर, हमें सेलेक्ट होना है। अरे मैं कह रहा हूं प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे। अगर प्रोसेस बेहतरीन है तो आपका रिजल्ट खराब हो ही नहीं सकता। सर ये प्रोसेस बेहतरीन होने से क्या मतलब? प्रोसेस में जो संघर्ष है, संघर्ष में जो मजा है, वो मजा रिजल्ट में तो कभी है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए बच्चा कहता है सर मेरे को डॉक्टर बनना है। बेटा आपको डॉक्टर क्यों बनना है? सर मेरे को पैसे कमाने हैं। ऐसे कर ले, तू जितने पैसे चाहिए ले, बैठ जा, बताओ उसके बाद जिंदगी में कोई टारगेट? क्या उसको उस पैसे का मजा आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। जब तक वो स्ट्रगल करके, अच्छे से स्ट्रगल करके डॉक्टर नहीं बनता है, वो जो स्ट्रगल की प्रोसेस में जो मजा है और उसके बाद जो सक्सेस में मजा है, वो मजा उसको डायरेक्टली उस डिग्री पे हो ही नहीं सकता। यानी रगड़ रगड़ के ही हीरा चमकता है। क्या आपने कभी देखा है हीरा अपने आप प्रोड्यूस हो गया? नहीं, हीरा बनता है रगड़ने से। आपको स्टार बनना है, आपको हीरा बनना है, रगड़ने के लिए, आपको साइन करने के लिए। जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं, द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, और हम कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर इसको बनाने की। इस पर आपको हर एक समस्या का समाधान बहुत ही एक सुलझे हुए ढंग से मिलेगा। जरूरत है तो विश्वास करने की, विश्वास कीजिए, हम आपको बनाएंगे सक्सेसफुल डॉक्टर्स, सक्सेसफुल इंजीनियर्स। आप आइए इस अभियान से जुड़िए, इस अभियान का पूरा फायदा उठाइए। सर कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? यहां पर आपके पास इतनी कम फीस में,
इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतनी बड़ी बड़ी फैकल्टीज अवेलेबल हैं, उन्हीं फैकल्टी से आप पढ़ने के लिए कोचिंग्स में लाखों रुपए की फीस देते थे। सोचो कभी, अगर पेरेंट्स भी मेरी बात सुन रहे हैं तो सोचिए, जब उन्हीं फैकल्टीज को पढ़ने के लिए लाखों रुपए देते थे, वही चीज आपको इतनी लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो रही है, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को उस संस्कार में ढाला जाए। और बात रही आपसे जो मैं डिस्कस कर रहा था कि बच्चे की सबसे बड़ी परेशानियां क्या क्या आती हैं, बच्चा जब तैयारी स्टार्ट करता है तो मान लीजिए जो भी आपको मोटिवेट कर रहा है, जो भी आपको कुछ बता रहा है, आपका हार्मोनल लेवल बहुत एक अच्छे लेवल पे रहता है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा तो बच्चा ही है, अभी तो वो पूरा एडल्ट भी नहीं हुआ, 16-17 ईयर्स की एज में आप सोचना स्टार्ट करते हो तैयारी के बारे में। अगर वहां पे आपको सही से गाइडेंस नहीं मिल रही है, बच्चा धीरे धीरे अंदर ही अंदर परेशान रहता है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, पेरेंट्स का प्रेशर, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो इसीलिए कह रहा हूं बेटा, प्रोसेस बनाइए। सर प्रोसेस क्या है, सबसे बड़ी जो प्रोसेस है वो है विश्वास करना। विश्वास कीजिए अपने मेंटोर पे, विश्वास कीजिए जिन्होंने प्रूव करके दिखाया है उन पे, विश्वास कीजिए, उनके अभियान से जुड़िए, आपको वो चीजें इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। हम इस अभियान में सोच रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा बच्चा है सोचता है कि सर मैं संसाधन के कारण वंचित हूं, तो अलग सर के प्रयास से आपको इस चीज से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। ये वादा है मेरा आपसे, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मैं आपसे वादा करता हूं। आप ठान लीजिए मेरे को मेहनत करनी है, ये हम करके दिखाएंगे आपके लिए। जो परेशानियां हैं वो परेशानियां तो आएंगी बेटा, उन्हीं का तो समाधान निकालना है अपने को। आपने हरिवंश राय बच्चन जी की वो पोएम सुनी होगी, ये जो बेड़ियां हैं, ये जो बेड़ियां हैं इनको वस्त्र ना समझ, जो तुझ से लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, इन बेड़ियों को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल। क्यों तो इतना हताश है, जब विजय सर तेरे साथ है तो क्यों इतना हताश है। बेटा अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए, सोचिए कि यार यहां पे इतने बड़े लोग आपकी मेंटोरशिप के लिए अवेलेबल हैं, निराश नहीं होना है, आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, हर तरह की तैयारी में हर तरह के स्टार्स अवेलेबल रहेंगे। बस कंडीशन है तो वो ये है कि हार नहीं माननी है, अपने टारगेट पर अर्जुन की तरह है अपने फोकस पे ध्यान रखना है। याद होगी अर्जुन की कहानी, तो अगर सक्सेस होना है तो सबसे बड़ी चीज है फोकस। फोकस इतना बेहतरीन बना दो कि आपके सामने कितना ही डिस्ट्रक्शन आए आप डाइवर्ट नहीं होंगे। याद करो मिल्खा सिंह जी की कहानी, कितने डिस्ट्रैक्ट हुए, जब पता चला यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, मेरी कमजोरी बन रही है डिस्ट्रक्शन, सारे डिस्ट्रक्शन से नाता तोड़ दिया और वो कर दिखाया जो उनका सपना था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सैल्यूट उनको, क्या क्या उन्होंने नहीं करके दिखाया, गरीब बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल के सोर्स है वो। सीखिए उनसे, आपको लग ही रहा है आपकी मुसीबत बहुत बड़ी है, बच्चे सोचते हैं सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। करना नहीं करना ऐसा नहीं होता कि बच्चा पहले से ही डिसाइड करके आएगा, सब बच्चों का लेवल एक है, कि जो टॉपर भी बनते हैं वो पहले से नहीं सोच के आते हम टॉपर बनेंगे। बात यह है कि सब लोग जो सोच के आते हैं उनमें से कुछ टॉपर बन जाते हैं और कुछ सक्सेस, यानी उसके मेडिकल कॉलेज में भी नहीं जा पाते, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नहीं जा पाते। रीजन क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज है वो है कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, बी वेरी फेथफुल टू योर सेल्फ, अपने आप के लिए ईमानदार बनो। जब अपने आप के लिए आप ईमानदार रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता से वंचित नहीं कर सकती।
मैंने देखा है जितने भी बच्चों को मैंने मेरी मेंटोरशिप में देखा है, उनमें से वो बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत टॉप रैंक प्रोड्यूस की है, इनमें से वो बच्चे भी हैं जो सेलेक्ट होकर के मेडिकल कॉलेज में गए हैं और उनकी तैयारी सिलेक्शन लायक नहीं थी। डिफरेंस क्या था सर? ऐसा क्या था एक बच्चा टॉपर बन जाता है और एक बच्चा सिलेक्ट भी नहीं हो पाता? बताता हूं स्टार्टिंग जर्नी से। बच्चा 11th में अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, 2-3 टेस्ट देता है, छोटा छोटा सिलेबस होता है, अच्छे मार्क्स ले आते हैं सब लोग, दिमाग में सेट हो जाता है बस अब तो मैं बन गया डॉक्टर। अरे वो तो आपका केवल और केवल एंट्रेंस टेस्ट है सब्जेक्ट का। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं बच्चा हवा में रहता है, फुल ऊपर एयर में रहता है कि सर डॉक्टर बनने से इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पता चलता है इस ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी तैयारी ही बहुत कम कर देता है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टडी की जो कमी होने लग जाती है वो धीरे धीरे देखा जाता है। एक बच्चा है वो कंसिस्टेंटली अपनी मेहनत बरकरार रखता है, उस स्कोर को मेंटेन रखता है। जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया उसके कहीं ना कहीं हार्मोनल डाउन आने लग जाते हैं। अपने ब्रेन के हार्मोन भी ऐसे 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 चलते हैं तो ठीक है, पर अगर वो थोड़े से नीचे गिर गए और यहां अगर उसको मेंटोर नहीं मिला, उस बच्चे का कुछ नहीं होता। फिर वो केवल और केवल परेशान रहता है, डरने लग जाता है, मतलब टाइम भी लगा रहा है और कुछ हो भी नहीं पा रहा। बड़ा दुख होता है उस टाइम पे कि अगर मेरे को इस बात का पता होता कि कोई बच्चा मेंटोरशिप या गाइडेंस की वजह से परेशान है तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा पहला फर्ज समझूंगा कि वो बच्चा कम से कम डिप्रेशन में तो ना जाए। अगर आपके पास एनर्जी है, आप पॉजिटिव हो, आप अपने टारगेट पे फोकस हो तो आपको अपने टारगेट से कोई वंचित नहीं कर सकता। तो स्टे कनेक्टेड, आपसे मिलते रहेंगे। और अगेन एक बात जो आपसे कहूंगा, वापस एक बार अपने आप की काउंसलिंग कीजिए, सोचिए विजय शर्मा सर ने फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे आपसे एक वादा किया था, उस वादे पे उस क्रांति से हम लोगों के साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।